किसी भी बच्चे को बताइए कहीं से कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, अदरवाइज हम लोग बच्चे आगे बढ़ेंगे। आवाज को सभी बच्चे म्यूट कर लेंगे। मनमोहन, मनमोहन सिंह, क्या बच्चे कुछ प्रॉब्लम है? नो नो सर, नो। ओके, तो श्रेया, श्रेया आप बताओ मुझे, श्रेया रानी। यस सर। प्रीवियस क्लास में क्या बताए थे बच्चे? क्या वो क्वेश्चन समझ में आया? ज्वाइन नहीं किए थे। आप प्रीवियस क्लास में नहीं थी ना? नो सर। बताइए हम आप ही से क्यों पूछे, इसीलिए पूछे। इसमें से बहुत सारे बच्चे प्रीवियस क्लास में नहीं थे। देखो बच्चे, सबसे पहला बात यहाँ पर एक चीज बता देना चाहेंगे आप लोगों को, और आप लोग भी जानते हो जो बच्चे अकाउंटेंसी पढ़ के आए हैं, अकाउंटेंसी बेसिकली जो सब्जेक्ट है ये बच्चे डे टू डे का है। अगर कहीं से भी कोई क्लास अगर आप लोग बच्चे मिस कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वहां फिर आगे नेक्स्ट क्लास समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो प्लीज सभी बच्चे इस चीज को ध्यान रखेंगे, और पर डे ईच एंड एवरी डे क्लास मिस नहीं करना है बच्चे, क्लास डे टू डे करना है। ओके, तो रिया, आप तो रिया थी प्रीवियस क्लास में सर। हाँ रिया, रोल नंबर 36। यस सर। आप तो थी पिछले क्लास में। यस सर। लास्ट बताइए सर, लास्ट जर्नल एंट्री हुई थी और आपने कुछ क्वेश्चन दिया था उसको हमने सबने सॉल्व किया था, यानी जर्नल एंट्री का ना? यस सर। ओके, तो मुझे सिर्फ मुझे साइंस वाले, संस्कृति आप बताओ, संस्कृति बच्ची आप बताओ। यस सर। सर पिछले क्लास में मैं भी नहीं थी, एब्सेंट थी आप। नहीं तो क्लास आप लोगों को बच्चे डे टू डे करना है, क्लास मिस नहीं करना है। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं हम आप लोगों को, ठीक है, समझाते हैं फिर से। जो बच्चे प्रीवियस क्लास में नहीं थी वो प्लीज इसको ध्यान से सुनेंगी या सुनेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे बच्चे, वो आपको मीनिंग ऑफ जर्नल से स्टार्ट किए थे। हम बताए थे कि जर्नल किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल। चैप्टर का नाम था रिकॉर्डिंग ऑफ क्या, बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये चैप्टर जो है बेसिकली डिपेंडेड है कि किसी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को बिजनेस के बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे कि हम सभी कोई जानते हैं कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन, किसी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का क्या मतलब है बच्चे, कि उसके फिनेंशियल रिजल्ट एज वेल एज पोजिशन को, है ना, जानना है। बिजनेस अकाउंटिंग क्यों फॉलो करता है, इंफॉर्मेशन के लिए, और इंफॉर्मेशन जो है सो स्टार्टिंग कहां से होता है, रिकॉर्डिंग से, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, देन आफ्टर क्या, रिजल्ट एज वेल एज पोजिशन। तो किसी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करने की जो भी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम लोग जर्नलाइज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, जर्नलाइज। और इसमें सबसे पहले जो हम लोग अभी चैप्टर इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जर्नल इंट्री। तो क्या बताए थे कि जर्नल इज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल इंट्री। कौन सा इंट्री है बच्चे, एक सेंटेंस में कभी हम एमसीक्यू में आपको पूछेंगे कि जर्नल जो है सो जर्नल क्या है, ओरिजिनल इंट्री, जबकि लेजर क्या है, बताइए। लेजर जो है ये ओरिजिनल इंट्री है ना, जबकि लेजर जो है वो एक प्रिंसिपल बुक है। क्या है, कौन सा बुक है, प्रिंसिपल। हाँ, ये जब भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसको एक सीक्वेंस में करते हैं बच्चे, डेट वाइज करते हैं। क्या करते हैं,
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. कौन सा ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल, यानी डेट वाइज, यानी सीक्वेंस में. ऐसा नहीं है कि आज एक तारीख का लिखे, फिर दो तारीख का लिखे, फिर दस तारीख का लिख दिया, फिर पांच तारीख को लिखेंगे. ऐसे नहीं, डेट वाइज है ना. डेट वाइज किसी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को हम लोग बिजनेस के बुक्स में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं. तो जर्नल जो बेसिकली है, ये जर्नल वर्ड आया है जो आपका फ्रेंच वर्ड है. कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड. फ्रेंच वर्ड कौन सा है? जर, जिसका विच मीन्स डे बुक. जर का मतलब क्या होता है बच्चे? विच मीन्स डे बुक. अब डे बुक कहने का मतलब यहां पर ये कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग बिजनेस के बुक्स में करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? डेट वाइज सीक्वेंस उस डायरी में, उस डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं ईच एंड एवरी डे का, ठीक है. और उसी के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे अकाउंटिंग का डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे ना कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. तो रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल एंट्री, क्लासिफाइंग मीन्स लेजर, समराइजिंग मीन्स ट्रायल बैलेंस. जब इतना हम लोग कर लेते हैं उसके बाद ही तो हम लोग रिजल्ट के बारे में जानते हैं. ओके बच्चे, तो ये चीज हम आपको बताए थे. अब इसके बाद एक स्टेप ये भी बताए थे कि जो एंट्री होता है बच्चे, वो बेसिकली आपको अगर कोई पूछे कि एंट्री कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम बताए थे रिया, आपको याद होगा कि पांच प्रकार के बताए थे. देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ क्या? एंट्री. ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री. ये पांच प्रकार का. लेकिन अगर हम जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंट्री. कौन कौन? एक सिंपल एंट्री, दूसरा कंपाउंड एंट्री. सिंपल एंट्री का मतलब बताए थे कि वैसा एंट्री जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही अकाउंट अफेक्टेड हो. वन अकाउंट इज डेबिटेड, देन अनदर अकाउंट इज क्या? क्रेडिटेड. ओके प्रीति बताइए, प्रीति कुछ पूछना चाह रही हैं आप? प्रीति आप बताओ, ये अभी जो बताया ये समझ में आया? संस्कृति आपका प्रीवियस क्लास नहीं हुआ था, लेकिन बच्ची आप याद रखना, इसको क्लास डे टू डे करना है, क्लास मिस नहीं करना है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंट्री, सिंपल एंट्री और क्या? कंपाउंड एंट्री. सिंपल एंट्री वो एंट्री होती है बच्चे जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंट ही इफेक्ट होते हैं. वन अकाउंट इज डेबिटेड, देन अनदर अकाउंट इज क्या? क्रेडिटेड. लेकिन जब मोर देन टू अकाउंट आर अफेक्टेड is called compound entry. जब दो अकाउंट से ज्यादा आपको affect हो पड़े, ठीक है, हो सकता है दो डेबिट हो एक क्रेडिट हो सकता है चार डेबिट हो एक क्रेडिट हो. तो इस तरह से थोड़ा आप लोगों को याद रखना है, समझना है. हेलो. यस सर. सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री दोनों का डिफरेंस समझ में आया? कि वो एंट्री जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंट ही हो, एक डेबिट तो दूसरा क्या? क्रेडिट. तो इस एंट्री को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल एंट्री कहते हैं. और जब दो अकाउंट से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री कहते हैं. तो अभी फिलहाल जो प्रीवियस क्लास में हम क्वेश्चन दिए थे बच्चे, वो दिए थे आपका सिंपल एंट्री पर. अभी टूडे विल डिस्कस कंपाउंड एंट्री. सही बच्चे लिखेंगे इसको? सही बच्चे नोट करेंगे कंपाउंड एंट्री. कंपाउंड एंट्री और दोज एंट्री compound entry are those entry
those entry involve more than two accounts. It involved more than two accounts. In other words, sometimes two or more accounts, sometimes two or more transactions. In other words, sometimes two or more transactions of the same nature, take place on the same date. सर टू और मोर के बाद बोलिए ना. टू और मोर ट्रांजेक्शन ऑफ द सेम नेचर टेक प्लेस ऑन द सेम डेट इन सच केस instead of passing separate entry, for all such transactions. Only one combined general entry. Only one combined journal entry can be passed. Such a type of entry is known as compound entry or composite entry. Thus, whenever a journal entry involve, इसको underline कर लीजिएगा, इस sentence को underline कर लीजिएगा. So एक बार repeat कर दीजिए ना. Thus, देखिए हम क्या लिखवाए हैं, एक बार repeat कर दे रहे हैं. Sometimes two or more transactions of the same nature take place on the same date. In such cases, instead of passing separate entry for all such transactions, only one combined entries. देखो होता क्या है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंटेंट होते हैं, जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, उसके लिए समय का बहुत महत्व होता है, उसका टाइम बहुत कीमती होता है. ऐसे तो सभी का टाइम कीमती होता है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस का काम करता है, अकाउंटिंग का काम करता है, तो वो देखता क्या है कि अगर एक सेम नेचर का एंट्री है और इसमें सुनो मैथ में आप लोग पढ़े थे, मैथ में जो कॉमन लेते थे याद है, अरे मैथ में कॉमन नहीं लेते थे जी,
तो अकाउंटिंग भी कॉमन लेते हैं ना सर। हाँ सर, जैसे आप लोग मैथ बनाए हैं तो कॉमन लेते थे ना, उसी तरह से अकाउंटिंग में भी जो अकाउंटेंट है वो देखते हैं कि अगर एक ही नेचर का रेंट पेड किया, सैलरी पेड किया, वेजेस पेड किया, तीनों तो पेड ही कर रहा है, तो तीनों में कैश क्या होगा, जाएगा ना, बोलो। यस सर, सैलरी अकाउंट डी आर टू कैश, वेजेस अकाउंट डी आर टू कैश, तो सबका कैश क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। रेंट अकाउंट डी आर, सैलरी अकाउंट डी आर, वेजेस अकाउंट डी आर टू क्या, कैश अकाउंट, इट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग ट्री। ये क्या कहता है कि जब आपको सेम नेचर का हो और डेट भी सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नेचर सेम होगा लेकिन डेट नहीं होगा तो फिर कंपाउंड एंट्री नहीं होगा। बच्चे कंपाउंड एंट्री के लिए नेचर भी सेम होनी चाहिए और डेट भी सेम होनी चाहिए। तो वो अकाउंटेंट उस एंट्री को अलग अलग नहीं करके उन सभी ट्रांजेक्शन को क्या करता है, एक ही बार करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री और कंपोजिट एंट्री कहते हैं। तो वही लिखवाए हैं कि समटाइम्स टू और मोर ट्रांजेक्शन ऑफ द सेम नेचर टेक प्लेस ऑन द सेम डेट, इन सच केसेज इंस्टेड ऑफ पासिंग सेपरेट एंट्री, सेपरेट एंट्री मतलब एक एंट्री, उन सभी के बदले में क्या करता है, एक एंट्री पास करता है। फॉर ऑल सच ट्रांजेक्शन ओनली वन कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड जनरल एंट्री कैन बी पास्ड, सच अ टाइप ऑफ एंट्री इज नोन एज कंपाउंड एंट्री और कंपोजिट एंट्री। Thus, whenever a journal entry involves two or more transactions, it is called compound entry. Whenever के बाद? हाँ, whenever a journal entry involves two or more transactions, it is called कंपाउंड एंट्री। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखिएगा बच्चे कि डेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, डेट सेम होनी चाहिए। और उसके बाद तीन पॉइंट याद रखना है, कौन कौन पॉइंट, सेम डेबिट डिफरेंट क्रेडिट, सेम क्रेडिट डिफरेंट डेबिट, या सेम डेबिट सेम क्रेडिट। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, उस ट्रांजेक्शन को अलग अलग लगाएगा, क्योंकि उसको उसका टाइम उसमें ये होगा ना, लगेगा ना, तो उन सबको अलग अलग ना करके उसको इकट्ठा एक ही एंट्री में रखता है। तो उस सभी एंट्री को मिला करके जो एक एंट्री हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड और कंपोजिट। समझ में आया? Yes, sir. ये पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आया जो भी बताए हैं, कि डेट सेम होनी चाहिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट कि सेम डेबिट है डिफरेंट क्रेडिट है, तीसरा पॉइंट कि सेम क्रेडिट है डिफरेंट डेबिट है, चौथा पॉइंट सेम डेबिट एंड सेम क्या क्रेडिट। सर एक एग्जांपल सर बता दीजिए ना सर, परचेज गुड्स फॉर कैश है रुपीज 5000 और फिर कह रहा है कि कैश परचेज इज रुपीज 10000, तो दोनों का एंट्री तो वही होगा, परचेज टू कैश, परचेज टू कैश। तो दोनों को अलग अलग नहीं लगा करके उसको क्या करेंगे, एक एंट्री बना देंगे, परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट, और दोनों अमाउंट को क्या कर देना है, एड कर देना है, जोड़ देना है। चलिए इसको एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं, लिखिए तो फॉर एग्जाम्पल। So, simple and compound entry for the following. So, simple and compound entry for the following. लिखिए 2017 लिखिए ईयर में, और अगस्त 5 को, 5 अगस्त को goods purchased for cash 5000, goods purchased for cash 5000। second लिखिए 5 अगस्त को, goods purchased from राकेश,
रुपीज 10,000. सर राकेश बोले. राकेश राकेश अपना नाम अपने नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. एग्जाम्पल ये समझ में आया? अब देखो बोर्ड पर इसमें रुपीज क्या था सर, प्राइस कितना? 10,000 है. देखिए क्वेश्चन क्या था कि सो सिंपल एंड कंपाउंड एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. आपके पास में ट्रांजेक्शन अवेलेबल है, उस ट्रांजेक्शन के बेसिस पर आपको सिंपल एंड कंपाउंड एंट्री क्या करना है, बिजनेस की बुक्स में पास करना है. तो कैसे करेंगे? तो पहले तो सिंपल एंट्री समझ लीजिए. जो बच्चे प्रीवियस क्लास में नहीं थे, ये देखिए सिंपल एंट्री क्या होगा. ये देखिए यहां पर क्या है, रूपम. रूपम बताइएगा. सिंपल एंट्री, सिंपल एंट्री जब बनाएंगे पहले कैसे बनाएंगे बच्चे, क्या बताए थे हेडिंग इन द बुक्स ऑफ, नाम यहां पर लिख देना है, इसके नीचे क्या लिखना है, वो दिखाई दे रहा है बच्चे को? यस सर. यस सर. जर्नल एंट्री और इसके बाद जो बताए थे पांच कॉलम, ये देखिए ये फाइव कॉलम हो जाएगा. और यहां पर दे दीजिए एलएफ का और यहां पर दे दीजिए डेट का. देखिए तो डेट में क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेटिंग बना दीजिए. यहां पर सबसे पहले डेट कॉलम, सेकंड में हो जाएगा पर्टिकुलर, थर्ड में हो जाएगा आपका एल एफ, ये अमाउंट का हो जाएगा और ये भी अमाउंट का हो जाएगा, ये डेबिट का अमाउंट, ये क्रेडिट का अमाउंट. तो क्या था बच्चे यहां पर कि सबसे पहला क्या था, क्या था? गुड्स गुड्स परचेज फॉर कैश 2017 और अगस्त 5 था ना, 5 अगस्त को हो जाएगा. क्या हो जाएगा यहाँ पर परचेज, क्योंकि एक्सपेंसेस हुआ बिजनेस के लिए तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डीआर टू कैश फ्लोज ऑफ टू कैश अकाउंट. डायरेक्शन लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेजेस गुड्स फॉर कैश. ये आया समझ में? अब देखो अमाउंट कितना था 5,000. फिर सेकेंड का क्या था कि परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश, तो परचेज वो भी एक्सपेंसेस ही हुआ, तो डेबिट ऑन एक्सपेंसेस आना उसे अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट. तो परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डीआर और राकेश इज द गिवर. राकेश यहां पर क्या है, गिवर है, तो राकेश को क्या करोगे, टू राकेश अकाउंट और ये हो जाएगा अगस्त 5 को ही. अमाउंट था 10,000, डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट. ये हो जाएगा परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश, परचेजेस गुड्स फ्रॉम राकेश. ये हो जाएगा, इट इज कॉल्ड सिंपल एंट्री. इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, यही आपका सिंपल एंट्री हो गया. आप देख सकती हो सभी बच्चे कि पहले ये समझ में आया सभी बच्चे को, बताओ चंदा कुमारी. यस सर. यस सर. बच्चे कैमरा ऑन कीजिए. रिया रूपम आवाज मेरा क्लियर आ रहा है आप लोगों को? यस सर. हाँ अब देखो अब इसमें कंपाउंड एंट्री क्या समझाएंगे. देखो बच्चे यहाँ पर ध्यान समझना कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी परचेज क्या है,
कॉमन है, डेबिट है, और यहां पर भी परचेस क्या है आपका, डेबिट है। हाँ या ना? यस सर। दोनों परचेज की जगह एक परचेज लिख सकते हैं, ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग बनाएंगे बच्चे। कैसे कंपाउंड एंट्री हो जाएगा बच्चे, यहां पर हम लिख सकते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए तो दो परचेज था, उस दो परचेज के बदले क्या हो जाएगा, एक परचेज आ जाएगा यहाँ पर, लिखेंगे डेट कॉलम, यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पर कर देना है एलएफ, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर ये डेबिट का अमाउंट, ये क्रेडिट का। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चे कि परचेज परचेज तो डेबिट हो जाएगा दोनों के बदले एक परचेज हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। 17 और ये अगस्त था ना, तो अगस्त 5 तो परचेज अकाउंट डियर, और टू क्या करोगे यहाँ पर, परचेज अकाउंट डियर टू टू कैश एंड टू राकेश। यस एग्जैक्टली, टू कैश अकाउंट और टू क्या राकेश। अब देखिए कैश के सामने क्या है, कैश के सामने कैश वाला अमाउंट दीजिए 5000 और राकेश के सामने कितना अमाउंट था 10000, दोनों का कितना हो जाएगा 15000। अब यहां पर से मेरे से लिख दीजिए कि परचेज गुड्स फॉर कैश एंड परचेज गुड्स फॉर परचेजेस गुड्स फॉर कैश इज रुपीज 5000 एंड फ्रॉम राकेश एंड फ्रॉम राकेश इज रुपीज कितना 10, यहां से लेकर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, दैट्स ऑल। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यही हो गया कंपाउंडिंग की, सही बच्चे इसको नोट कर लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए सही बच्चे जल्दी से इसको। बच्चे नोट कर लिए, हेलो बच्चे सभी को एक कैमरा ऑन करो, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर रूपम, रिया, युवराज, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इस पर एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहे हैं बच्चे, आप लोगों को बनाना है, सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है? तो सही बच्चे नोट करेंगे मैं मोड़ा।
हेलो लिखिए क्वेश्चन लिखिए तो सो सिंपल एंड कंपाउंड ट्री सो सिंपल एंड कंपाउंड ट्री so simple and compound trees of the following first jan ko likhiye first jan 2017 ko commenced matlab start karna commenced business with cash goods and machinery for rupees 20,000, 10,000 and 15,000. Commenced business with cash goods and machinery is rupees 20,000, 10,000 and 15,000. और एक और लिखिए तो इसी में Jan 31 को paid wages salary is rupees 2,000 and 5,000. Okay, बच्चे नोट कर लिए दोनों को कंपाउंड एंट्री बनाना है आप लोगों को एक क्वेश्चन और लिखिए क्या आप लोग के पास में बच्चे स्टडी मटेरियल तो है बताइए बच्चे संजना yes, sir. सभी बच्चे के पास में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है Yes, sir. आप लोग प्लीज अपने स्टडी मटेरियल से देखिए क्वेश्चन और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कुछ डॉट है तो बच्चे आप लोग पूछिए अभी आगे और हम अभी बताएंगे थ्योरी पहले एक सिंपल क्वेश्चन है पहले इसको आप लोग बना लीजिए सर पिछले क्लास नहीं किए तो वो वाला मुझे नहीं आ रहा है कौन क्या नहीं समझ में आया उसमें बताइए सर पिछले क्लास नहीं की है वो तो समझ में आ गया कि आप पिछले क्लास नहीं की थी उसमें सिंपल एंट्री जो बताए थे उसमें सिंपल में नहीं समझ में आया था क्या समझ नहीं आया सही बच्चे इसको क्वेश्चन को लिखेंगे जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन Generalize the problem number 50. Yes, sir. अच्छा आवाज आ रहा है? Yes, sir. Generalize the following transaction of Mr. X. फर्स्ट लिखिए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश जन जुलाई फर्स्ट को लिखिएगा 2017 जुलाई फर्स्ट कर दीजिएगा जुलाई फर्स्ट 2017 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश इज रुपीज 20,000
लिख लिए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 20,000 सेकंड लिखिए 5 जुलाई को डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 5 जुलाई को फिर लिखिए 6 जुलाई को परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000 एकदम सिर्फ बच्चे प्रैक्टिस करना है आप लोगों को परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000 फिर लिखिए 8 तारीख को 8 जुलाई को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट Purchased goods on credit from Aman rupees 10,000 purchase goods on credit from Aman rupees 10,000 फिर लिखिए 10 तारीख को sold goods for cash Sold goods for cash rupees 12,000 sold goods for cash rupees 12,000 फिर लिखिए 15 को 15 तारीख को लिखिए purchased furniture for cash 3,000 purchased furniture for cash Riya mic off kijiye upahar mute kijiye 3000 ha purchase furniture for cash 3000 fir likhiye 20 ko likhiye 20 tarikh ko sold goods to priyam on credit Sold goods to Priyam on credit rupees 5,000 और 25 को लिखिए paid rent rupees 2,000 paid rent rupees 2,000 फिर 30 तारीख को लिखिए 30 जुलाई को receive cash from receive cash from Mohan rupees 5,000 और 31 तारीख को लिखिए रिसीव इंटरेस्ट रुपीज 2,000 सर यस सर सिंपल मेथड और कंपाउंड मेथड दोनों मेथड से बनाना है नहीं 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 इसमें ये जो एंट्री दे रहा है ये सिंपल एंट्री है इसको सिंपल बनाना है बच्चे कंपाउंड एंट्री तो वहां बनाएंगे जहां पर उसका टर्म ऑफ कंडीशन जो भी रूल है वो एप्लीकेबल होगा तब ना करेंगे जो भी बताए थे सेम नेचर सेम डेट और एक से ज्यादा होनी चाहिए तो आपको बच्चे एचडब्ल्यू में ही हम दिए हैं दो क्वेश्चन एक तो कंपाउंड एंट्री का और एक ये सिंपल एंट्री का इस दोनों को बना करके आप लोग बच्चे नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखाओगे सभी बच्चे Yes. देखो बनाओगे प्रैक्टिकल तभी बच्चे आपको समझ में आएगा पहले सही बच्चे ट्राई करेंगे और नहीं बनेगा तो फिर हम है ना फिर हम बताएंगे
लेकिन जो भी हो सही गलत जो भी हो बच्चे बनाने की कोशिश करना सभी बच्चे ओके ओके बच्चे थैंक यू ऑल ऑफ यू यस सर थैंक यू ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू